देख सकते हैं कि हमारे पास सेटिंग्स में ये वाले सब मेन्यू विजिबल होते हैं, ठीक है। जनरल सेटिंग्स, राइटिंग सेटिंग्स, रीडिंग सेटिंग्स, मीडिया सेटिंग्स, डिस्कशन सेटिंग्स। तो अब अगर आप वेबसाइट पे देखें तो ये वाले मेन्यू यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। तो पेज बिल्डर ये यहाँ पे क्यों है कि जब मैंने एलिमेंटर की प्लगइन यहाँ पे इंस्टॉल की है, ठीक है, तो वो एक पेज बिल्डर है, तो इसलिए यहाँ पे आ गया। बाय डिफॉल्ट ये पेज बिल्डर यहाँ पे नहीं होता। तो कुछ प्लगइन्स ऐसी होती हैं जो कि सेटिंग सेक्शन में ऐड हो जाती हैं, कुछ प्लगइन्स आप इंस्टॉल करेंगे जो टूल्स में आ जाएंगी, कुछ प्लगइन आप इंस्टॉल करेंगे वो यहाँ पर ही डायरेक्ट आ जाएंगी इस मेन्यू में, ठीक है। तो वो फंक्शनैलिटी डेवलपर पर है कि वो कहाँ पे प्लगइन को रखना चाह रहा है। तो ये यूजर रोल एडिटर आप इंस्टॉल करेंगे तो वो यहाँ पे यूजर्स में ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये फंक्शनैलिटी टोटल डेवलपर पर होती है कि वो कहाँ पे किस प्लगइन को मेन्यू में ऐड करना चाह रहा है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि सेटिंग सेटिंग में जनरल जो है वो किस पर्पस के लिए यूज होता है। तो जनरल्स में आप देखेंगे कि यहाँ पे साइट टाइटल, साइट टाइटल क्या है कि ये जो वेबसाइट के ऊपर हमारे पास नजर आ रहा होता है, ये देखिए जनरल सेटिंग चेक स्किल्स, ये एक साइट टाइटल है, ठीक है। अगर मैं वेबसाइट को ओपन करता हूँ, विजिट करता हूँ, तो विजिट करने के दौरान ये मेरे पास लिखा आ रहा है चेक स्किल बेस्ट वेबसाइट डेवलपर, तो ये साइट टाइटल होता है। जो टैग लाइन है वो ये जनरल चेक स्किल जो है वो आपके पास टाइटल है, और जो आगे दी बेस्ट वेबसाइट डेवलपर वो आपके पास टैग लाइन है, ठीक है। तो आप इसको इस तरह मॉडिफाई यहाँ से भी कर सकते हैं। प्रीवियस ट्यूटोरियल में हमने यहाँ इसको देखा है कि हम इसको अपीयरेंस में कस्टमाइजेशन के थ्रू भी इसको एडिट कर सकते हैं। अब ये बहुत एक मेन चीज है वर्डप्रेस एड्रेस यूआरएल। अब लेट्स सपोज अब मेरी डायरेक्टरी ये है, ठीक है, वर्डप्रेस एड्रेस यूआरएल। तो यहाँ पे मैं इसको लोकल होस्ट कर सकता, मतलब एड्रेस चेंज कर सकता हूँ, ब्लॉग वेब है, ठीक है। अगर मैं इसको www कर देता हूँ, अगर मैं इस वेबसाइट को ओपन करना चाहूँ तो मैं इससे ओपन करूँगा ना कि इससे। ये बेसिकली आपका डायरेक्टरी का पाथ है, ठीक है, पाथ का लिंक है, और ये आपकी वेबसाइट ये जो ऊपर है वो यूआरएल का लिंक है। तो मोस्टली ये सेम होते हैं, लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेटेड वेबसाइट में आप शायद कभी ये केस को आप डिफरेंट यूज हो, तो आप इसको जब माइग्रेट करते हैं तो ये हमारे पास बहुत एक इम्पोर्टेंट स्टेप होता है कि हमने वर्डप्रेस का एड्रेस और साइट एड्रेस ये दोनों डेटाबेस जाके चेंज करने होते हैं, ताकि जिस पर हमने कोई न्यू डोमेन पर मूव किया वेबसाइट, तो वेबसाइट उस पर ही ओपन हो, ठीक है, उसके ही यूआरएल्स आए। लेट्स सपोज अगर मैं ये वेबसाइट इसका व्यू सोर्स करता हूँ, तो वो वाले डोमेन आगे आगे ये देखिए फाइल्स वगैरह शो होंगी, ठीक है, ये देखें वो वाली ही डोमेन शो हो रही है मेरे पास यहाँ तक। तो जो आप यहाँ पे सेट करेंगे वही यहाँ पर शो होगी। तो जब आप माइग्रेट करते हैं कोई न्यू डोमेन पे, ओल्ड डोमेन से, ओल्ड डोमेन अगर आपकी लोकल होस्ट ब्लॉग वेब है और न्यू डोमेन जस्ट ब्लॉग आती है, तो आप उसको डेटाबेस के थ्रू जाके चेंज कर सकते हैं, और आप इसको ये जनरल सेटिंग से भी चेंज कर सकते हैं अगर आपके पास ये पैनल ओपन हो रहा है। अगर ये पैनल ओपन नहीं हो रहा तो आप इसको डेटाबेस जाके चेंज कर सकते हैं सेटिंग्स के टेबल से। एडमिनिस्टर, ये एडमिनिस्टर ईमेल है कि जो अभी एडमिन है वो उसका ये ईमेल है, जो भी कोई वेबसाइट से रिलेटेड ईमेल वगैरह जाना होगा तो वो इस ईमेल पे जाता है। अगर आपने यूजर्स को अलाउ करना है कि वो आपकी वेबसाइट पे रजिस्टर कर सके, तो आप इसको टिक कर दें और सेव कर दें। और जो यूजर रजिस्टर होगा, हमने देखे पिछले ट्यूटोरियल में कुछ रोल्स थे डिफरेंट वर्डप्रेस के, तो आप वो रोल्स यहाँ पे बता सकते हैं कि डिफॉल्ट रोल क्या हो जो रजिस्टर हो रहा हो, तो यहाँ पे आप रोल दे सकते हैं। साइट की लैंग्वेज आप चेंज कर सकते हैं, मतलब ये इंग्लिश लैंग्वेज, अगर आप कुछ आ रहे हैं कोई और लैंग्वेज हो तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, अरेबिक वगैरह जो भी है, तो आप वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। टाइम जोन आप अपने सिटी के मुताबिक या अपनी कंट्री के मुताबिक कर सकते हैं, ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइम जोन है।
तो आप सर्च कर सकते हैं टाइम जोन से रिलेटेड गूगल पे कि आपकी कंट्री का टाइम जोन क्या है। तो डेट का फॉर्मेट क्या करना है, जो कमेंट शो हो रहा होता है वहां पे डेट भी शो हो रही होती है, उस डेट का फॉर्मेट क्या हो, टाइम का फॉर्मेट क्या हो। तो वीक स्टार्ट ऑन मंडे, मोस्टली इंटरनेशनल जो भी होता है वो मंडे से ही आपका वीक स्टार्ट होता है, तो आप यहाँ से वीक स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जनरल सेटिंग का ओवरव्यू था। तो अब हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे राइटिंग के कुछ क्राइटेरिया होते हैं, वो हम किस तरह चेंज कर सकते हैं और वो कहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स, एंड प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक ऑन बेल आइकन फॉर अपकमिंग न्यू वीडियोज। यू कैन ऑल्सो कॉन्टेक्ट मी ऑन दीज सोशल लिंक्स इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम।